कोशिश ही नहीं कर रहे क्या करें। आज मुझे उम्मीद नहीं थी वैसे यूपी विजार्ड से कि एकदम से वो बैठ जाएंगे इस तरह। खेले हल्का नहीं, गोल कंसीड कर लिए उन्होंने, खेले इतना बुरा नहीं वैसे वो, हमारे से ज़्यादा अटैक उन्होंने किया हमारे ऊपर सेकंड हाफ में तो खास तौर से, लेकिन हाँ गोल कंसीड कर गए वो। आज हम लोग जितनी बाकी मैचेस खेले ना, हमारी आज उससे कम प्लानिंग थी आज के मैच में, और हम लोग कोई इतना ज़्यादा हमारे पर प्रेशर नहीं था रिजल्ट का कि क्या रिजल्ट देना है क्या नहीं देना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, पता नहीं आप विश्वास करोगे कि नहीं करोगे, और 3 गोल से टीम जीत गई हमारी, तो इसलिए कोई शायद ना भी माने इस बात को, लेकिन अदरवाइज जितने मैच हमने पहले खेले हैं उनसे आज हम लोग थोड़े से रिलैक्स थे। नहीं अभी तो, अब जैसे बॉम्बे से खेले थे, शायद ये लोग कल खेले थे कि कल खेले थे, तो इन लोगों ने अच्छा खेला, हमने मैच देखा था, वो अच्छा खेले यूपी वाले, तो मुझे भी ये उम्मीद थी। मैंने कहा कि आज भी एक पॉइंट जरूर था मेरे दिमाग में कि ये लोग थके होंगे, ग्राउंड ये ऐसा है थोड़ा हैवी ग्राउंड है तो उसके ऊपर थकावट हो जाती है, ये जरूर बात हमारे दिमाग में थी कि यूपी की टीम थोड़ी थकी हुई होगी। लेकिन उसके अलावा साथ साथ ये भी था कि अब यूपी को बहुत ज़रूरत है, फिर से यूपी रेस में आ चुकी है अच्छी तरह से और सेमीफाइनल में जाने के लिए, तो मुझे ये था। लेकिन थकावट के बावजूद भी यूपी आज जो है ना पूरे फुल प्रेशर से खेलेगी और कुछ भी उलट फेर कर सकती है, ये मेरी सोच थी। बिल्कुल जी, मेरे हिसाब से अभी हमारे ऊपर कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं है, और ये है कि जो हमारी मीटिंग्स हैं जिसमें कोचेस की और प्लेयर्स की, उसमें ये होता कि जो हम कंटिन्यू जो जीत है वो हम लाइक सेम रखेंगे, किसी भी टीम को हम इजी नहीं ले सकते। और उसके बाद जैसे हम सेमीफाइनल की अभी तैयारी कर रहे हैं, जो मेन प्लेयर्स हैं आपने देखा हमारे लाइक अभी काफ़ी चेंजेस हो रही हैं क्योंकि सेमीफाइनल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा ट्रैवलिंग हो रही है इधर उधर, तो अभी मेन फोकस हमारा सेमीफाइनल के ऊपर है। तो मेन यही है कि हमारा सिंपल जो जैसे आपने बोला कि कोच ने बोला आज हमारी ज़्यादा कोई प्लानिंग नहीं थी क्योंकि कल हम ट्रैवलिंग करके आए, क्योंकि कल हमारी फ़्लाइट भी डिले थी थोड़ा, और उसके बाद आज मेन यही था कि बॉल रोकनी देनी सिंपल, बस पास, तो सभी प्लेयर्स वही कर रहे थे। बिल्कुल, बॉल रोकनी देनी, बॉल को ज़्यादा रोटेट करना, तो सिंपल वही कर रहे थे, मेरे हिसाब से उसका हमें रिजल्ट मिला। देखिए जी, नहीं यूपी भी उसमें वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर कभी कभी होता है बैड डे, पर उम्मीद करता हूँ कि वो जरूर कमबैक करेंगे, क्योंकि हमें जितने चांसेस मिले हॉकी में यही है कि जो आपको चांसेस मिले, जो कन्वर्ट आपने टाइमली कर लिए तो आपकी टीम ऊपर चली जाती है, और जो दूसरी टीम वो चांस को मिस कर गई तो वो नीचे चली जाती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी टीमों में प्लेयर तो बराबर है। अगर मान लीजिए देसी प्लेयरों को मान लीजिए हम ज़्यादा तड़का लगा रहे हैं तो विदेशियों को भी उतना ही लग रहा, तभी बराबर टीम खेल रही है, कह नहीं सकता ये तो। लेकिन हमारी टीम एक थोड़ी सी शायद ऊपर वाले की मर्जी रही, तो डे वन से ही इतनी आपस में मिक्सअप हो गई, और इसका मैं अब जो एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, जब हमने ऑक्शन हुआ था, ऑक्शन से पहले जो 2 दिन हमने होमवर्क किया था मैंने और अजीत पाल जी ने, वो इसमें बहुत ज़्यादा काम आया हमें। हमारा उसमें और सब बातों के अलावा एक मेन फोकस जो था वो था उम्र के ऊपर, खिलाड़ियों की जो एज है उसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा अहमियत रखी थी, फोकस रखा था। तो हमारी एवरेज एज जो टीम की है वो 25-26 साल की है, हमारे लड़के भी उसी एज के हैं और ये जितने विदेशी हैं ये भी सब 25-26 साल के हैं। अब एक बाद में जो हमने बुलाया है डीन कज़न, वो थोड़ा ज़रूर 2 साल ऊपर है, और एक पहले था या उसकी जगह पर जो हमने पहले लिया था टाइगर टकामा, लेकिन टाइगर को हमने एज हमें दिख गई थी कि उसकी ज़्यादा है, लेकिन हमने क्योंकि वो स्पेशलिटी थी उसकी पेनल्टी कॉर्नर की, तो इसलिए हमने उसे उस समय ले लिया था। तो शायद ये जो एज का एक मंत्र है ये भी हमारे काम आ रहा है, लड़के आपस में बिल्कुल लगता ही नहीं कि ये विदेशी हैं या अभी 15-20 दिन पहले हमारे साथ आए हैं, लड़कों के साथ इतना मिलना तो हंसना बोलना, मतलब दे आर टोटली फ्री, टोटली, और उसका ही असर शायद ग्राउंड पे भी नजर आ रहा है।